ये देखो गाइस 250 का है ये दुपट्टा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को। तो गाइस मैं बिना ब्रश किए मुंह धुले अभी जा रही हूँ अदरक लगाने के लिए। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है अदरक, एक कुंतल ही होगा। तो एक्चुअली वो पापा का है तो वहाँ पे लगा रहे सब लोग अदरक, तो मैं भी हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे किए हैं हम लोग भिंडी का खेती। तो आप लोगों ने तो देखा होगा मेरा मम्मी भाई बहन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मुझे भी फर्ज बनता है उन लोगों को मैं हेल्प करूँ। तो वहाँ पे लगा रहा, थोड़ी देर में ख़त्म ही हो जाएगा। वहाँ से आने के बाद मैं ब्रश वगैरह भी कर लूँगी। पूरा रास्ता का सामने है पापा का अदरक का खेती। तो गैस अदरक लगा कर भी आ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर लिया है। चाहे बारिश दो, बारिश देने से भी हम लोग का काम होगा, क्योंकि हम लोग को सुपारी का पौधा भी लगाना है। और मैंने मुंह वगैरह भी धुला लिया, ब्रश वगैरह कर लिया है। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे खाना। आजकल हम लोग को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलेगा। और इसको काटना है, क्या बोलते हैं उसको, तुकुपट्टा ना, क्या बोलता है, घर बनाने के लिए। हाँ, घर बनाने के लिए पीछे की साइड में किचन, तो वहाँ पे हम लोग वो किचन बनाएंगे। और तुकुपट्टा काटने के लिए जाएंगे ना, खाना खाने के बाद जाएंगे, खाना खाने के बाद देखते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा है ना, वो अभी काटने सड़ जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, 8-10 दिन बरस होगा। हाँ ठीक है। और मैंने वहाँ पे तेल रख दिया है, उसको अंदर में भी लेके जाना पड़ेगा। कासने पकाए? हाँ, इस तरह बनाएंगे ना। ओके, यहाँ पे मैंने साग बना के भी रख दिया है, चावल तो मैंने इस तरफ रख दिया है। और फिर से यहाँ पे मैं स्नैल बनाने के लिए तेल डाल दिया हूँ। स्नैल बिटुल ने पहले से ही काट के पूरा अच्छे से वॉश करके लेके आया है, तो रख दिया है। और ये गया लिपिन अपन, मैंने पहले ही काट के रख दिया था, पूरा तैयारी करके रख दिया था। सबसे ज्यादा ना ये इलिपे नपे लगता है, बहुत ज्यादा मीठा है। ये गया राइस फ्लोर, छोटा कम मस्त ये भी ला रहा, इससे करो ना। और ये साबरे क्या?
आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है गैस। ये देखिए पूरा बारिश होने वाला है जैसा है, लेकिन बारिश भी नहीं देता है, दिन भर ऐसे ही रहता है। काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा है। तो अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। बेतुल ने तो पूरा खा लिया, उसको भूख लग रहा था। मैंने थोड़ा काम वगैरह किया था इसलिए मैंने खाना नहीं किया, तो इसने तो बना के मैंने रख दिया है। तो अभी मैं खाना खाऊंगी गैस, भूख बहुत तेज लग रहा है। 12 बज गया है, खाना भी निकल लिया है। ये देखो गाइस स्नेल, वाओ। सरसों का साग और लाई पत्ता। बारिश होने वाला है गैस। ये देखो पूरा काला काला बादल हो चुका है, और अभी हम लोग भी रेडी हो गए हैं मार्केट में जाने के लिए। कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, मेरा शैम्पू क्या बोलते हैं फेस वॉश वो सब खत्म हो गया है, तो मार्केट से लेके आएंगे। और जो ये वाला पहनी हूँ मैंने, मेरा सब्सक्राइबर ने मुझे दिया है, थैंक यू, जो मुझे इतना प्यारा सा ये वाला दे दिया है। और सब लोग बोलते हैं मेरे ऊपर ये अच्छा भी लगता है। मुझे ना ऐसी कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी फिलहाल चलते हैं मार्केट में, बारिश होने वाला है। और जो हम लोग का चावल है ना वो पूरा ख़त्म हो गया, सुबह ही ख़त्म हो गया। अगर खरीद कर लेके नहीं आएंगे तो शाम को खाने के लिए नहीं मिलेगा। धान वगैरह है लेकिन धूप नहीं है, धूप में नहीं दे सकते हैं। धूप में देंगे सुखाएंगे तभी मेल में जाके ये सब करके लेके आएंगे तभी खाने के लिए मिलेगा। और ये सब करते करते पूरा हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग दुकान से भी खरीद के लेके आएंगे। चावल वगैरह ज़्यादा लेके नहीं आएंगे, थोड़ा मोड़ा ही लेके आएंगे, 10-12 किलो ऐसे लेके आएंगे। वाह गाइस इतना हवा चल रहा है, बहुत ज़ोरों से बारिश होगा क्या। हम लोग मार्केट में पहुंच गए, हम जिस दुकान में आए थे वो दुकानें पूरा बंद है, पता नहीं क्यों सब बंद कर दिया। सर खाना खाने गया होगा, फिर से हम लोग दूसरा दुकान में जा रहे हैं, वहाँ से मैं ले लूँगी जो लेना है। पूरा काला काला हो चुका है बादल गाइस। मेरा बेतुल तो पहले ही वो पहुंच गया है दुकान में, तो मैं भी अभी जाऊंगी और देखूंगी सामान क्या क्या है। अरे भैया शैम्पू दीजिए, सनसिल्क का हो, डिपोकेट चाहिए। ये वाला नहीं लेना, कम मिलता है, पैकेट ज्यादा है, ठीक कर ले लो। तब हाँ ये लो दीजिएगा। और फिर से मैं ये वाला दुकान में आई हूँ, मुझे दही खाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस दही।
यहाँ से मैं लेके जाऊंगी दही। तो मुझे ये वाला दुकान में दही नहीं मिला, मुझे फिर से दूसरा दुकान में जाना है दही, क्योंकि मुझे खाने के लिए मन हो रहा है दही, ठंडी ठंडी दही, ठंडी में ना ठंडी दही खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से न्यू मार्केट में पहुंच गया है दही खरीदने के लिए, पता ही नहीं आज होगा या नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, हाँ है, इसमें है। और गैस मैंने दही ले लिया है, तो अभी मैं इसे टेस्टिंग करती हूँ। से मैं पांच में एक जलेबी खाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस एक ही जलेबी खाऊंगी। बस हमने दही खाया था, ये तो कुछ भी नहीं खाया था, ये बस बाइक को पिलाने के लिए लेके गया था, तेल यहाँ पे डालने के लिए गया था ना। सुना आ गया, असले 93 रुपीस हो गया अभी पेट्रोल, शुरुआत में तो कितना 96-97 था, महंगा हो गया, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। मुझे क्या बोलता, 97 रुपये मुझे नहीं समझ पाती हूँ, चल बस बस पता 60-75-85 बोलने से मुझे समझ नहीं आता है, ऐसे वो 97 पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे वो सब नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। सुंदर सुबह, मेरा नाना पूरा भाग के जा रही है, फिर से हम लोग बुआ के घर पे आए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर में। चाची का घर में आने के बाद हम लोग को बहुत सारा फायदा हो गया है, ये लाई पत्ता मिल गया, बहुत अच्छा है, बोल रहा है मीठा है, लेकिन उसको हिंदी नहीं आती है, ज्यादा लेके नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लेके जाएंगे ना, बस दो आदमी इतना से हो जाएगा, उतना लेके जाएंगे बस। अबे लाना था ना। और हम लोग चाचू का घर से दीदी का घर पे आए हैं चावल लेने के लिए, बुरा चावल सच में, क्या ये लाई चावल, बुरा चावल बोला था, 45-50 कितना लेके जाएंगे, 10 किलो, 5 किलो, 5 किलो सिर्फ, ना पैसा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा ना, ऐसे भी हम लोग के पास दान वगैरह है, बारिश दे रहा है, सुखा नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग चावल लेके जाएंगे। और जाते समय साग लेके जा रहा है, और प्लास में यहाँ पर 5 किलो ले चुके हैं राइस, क्योंकि बारिश होने लगा ना, इसलिए नहीं तो सुखाने के बाद वो भी वो खरीदना नहीं पड़ता, तो यहाँ से ले लिए हैं लोकल राइस, जैसा लाई चावल लिए हैं। ये खा रहे हैं रस बियर, ये सॉरी ये पी रहा है रस बियर, और मैं खा रही हूँ यहाँ पे बैंग भी दी, तीन उन्या भी दी, क्योंकि यहाँ पे एक है और इधर एक और इधर एक, इसको कहते हैं हम लोग खून, और पता नहीं हिंदी से क्या बोलते हैं, खोना ना क्या बोलते हैं ना, तीन उन्या। कालू आजकल बहुत ही ज़रा हैंडसम हो गया है, और सीएल तो बिगड़ते जा रहा है। गंदा कर दिया, हमारा कल वहाँ म्यूजिक बातचीत वगैरह भी कर लिया है दोस्तों, और वहाँ पे मम्मी भी था, तो अभी हम लोग घर पे भी जाएंगे, यही वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड भी करना है, बेटे गया है घर पे, तो मैं भी अभी जाऊँगी वहाँ पे, पता नहीं कल वहाँ कहाँ गया है। यह हमेशा गंदा करते रहता है शेल, कालू ये अच्छा है, गुड बॉय, हाँ हैंडसम बन गया ना कालुआ। अभी अभी हम लोग के घर पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और गए थे हम लोग जो हम लोगों ने जमीन खरीदा था उसको देखने गए, फिर कद्दू का खेती देखने गए, और बहुत ही ज़रा मन में दुख हुआ गैस, जो वहाँ का यहाँ का जो नेपाली गुरु है सब खत्म कर दिया, पूरा जितना भी हम लोग का खेती था सब खत्म कर लिया, और मन में बहुत ज़्यादा दुख लगा, इतना ज़्यादा मेहनत किए है, तकलीफ किए है, उसमें पैसा लगाए है, और बेकार में ये सब कर दिया, और बोलने से भी बोलता है कि मेरा गुरु, मेरा गाय नहीं है, मेरा बैल नहीं है, ये सब बोलते हैं, मेरा बकरी नहीं है, किसको बोलेगा। आते समय दो आंटी था, उन लोग को थोड़ा समझाया, फिर बोलता है हम लोग का भी ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे उन लोग के गुरु वो गाय वगैरह बैल वगैरह बकरी वगैरह पालते हैं, यहाँ से तो जाता नहीं है, यहाँ पे गांव पे कहीं भी गांव पे हम लोग का गांव पे बकरी वगैरह नहीं पालते हैं, बस वहाँ का जो जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह किया है नेपाली लोग वहाँ पे बकरी गाय बैल वही सब पालते हैं उन लोग,
तो उन लोग का होगा वही सब तो ख़त्म ही कर दिया, बहुत सारा दुख भी लगा है गैस। और मैंने क्या सामान लेके आया है, और मैंने ना वो सफ़ेद बड़ा एक दुपट्टा लेके आया है दीदी से, 250 का था। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए गैस, चाची ने दे दिया है ये लाई पत्ता का साग, और यहाँ पे मैंने दूध का पैकेट लेके आया है, पूरा दूध ही खत्म हो गया था हम लोग का। और मैंने यहाँ पे लेके आया था ये दुपट्टा, आप लोग को दिखाते हैं हम। पतिदेव एक बार मोबाइल पकड़ो ना, ये देखो गाइस 250 का है ये दुपट्टा। एक्चुअली ना ये इसमें बांधने के लिए है, इसी करके हम लोग बांधते हैं ना, मुझे नहीं आता है, इसी करके बांधते हैं हम लोग। पता नहीं कैसे बांधते हैं लेकिन मुझे नहीं आता है। और यहाँ पे हम लोगों ने चावल लेके आया था 5 किलो, कितना रुपए का दिया था? एक किलो 50 रुपीज का। हम लोग के पास दान है, धूप नहीं है, इसलिए हम लोग दान वगैरह सुखा नहीं पा रहे हैं ना, तो अगर धूप देखा तो खरीद के खाना नहीं पाता। और मैंने ये वाला लेके आया बासमोर, और ये फेस वॉश भी लेके आया है। मैं तो एक्चुअली गार्नियर वाला यूज कर देती विटामिन सी, लेकिन वो वाला नहीं मिला तो ये वाला मैं यूज करके देखूंगी, पता नहीं कैसा आएगा रिजल्ट। और मैंने यहाँ पे मैं गई थी ना बड़ा वाला शैम्पू लेने के लिए, लेकिन मेरा पतिदेव ने बोला है छोटा वाला शैम्पू में ज्यादा मिलता है शैम्पू, बड़ा वाला जो शैम्पू का डिब्बा होता है ना उसमें नहीं मिलता बोला है। तो मैंने यहाँ पे 40 रुपये का शैम्पू लेके आया, बस इतने से शॉपिंग किया गैस, लेकिन इतने में से 1000 रुपये चला गया। गैस मेरा पतिदेव का चैनल भी, बितुल ब्लॉग भी, उसका वीडियो अपलोड करना टाइम वो पहले तो शाम का टाइम में डालता था, अभी कितना बजे डालोगे? सुबह 7 बजे। हाँ 7 बजे डालेगा, इसका टाइम हो गया है, पूरा फिक्स हो गया ना 7 बजे। शाम को मेरा शाम को आएगा। हाँ मेरा तो ठीक ही है शाम को, क्योंकि ना हम दोनों एक ही साथ वीडियो अपलोड करते हैं, ये 4 बजे करते हैं, मैं 5 बजे, एक घंटा में कौन देख पाएगा किसका वीडियो, और जरीमा बेबी वो भी 5 बजे करती है, तो इसीलिए इसका टाइम बदल दिया है। तो मैं तो डालूंगी ये, मेरा तो टाइम फिक्स नहीं है, मैं 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे और 5 बजे, 6 बजे मेरा जब भी टाइम। और बहुत मुश्किल है क्योंकि हम दोनों एक ही मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार है, ये देख सकते हैं, मुझे दिखाओ ऐसे आता है मेरा चेहरा। हाँ इसलिए वाइपर इसी का मोबाइल से नहीं बनाते हैं, जब मैं झारखंड में गया था तब इसी से बनाया था। हाँ अच्छा भी नहीं ना, ये वाला मोबाइल ना जब डूब देता है तभी पूरा आईफोन की तरह होता है, जब ऐसा वाला मौसम करेगा ना तो पूरा बेकार लगता है, लेकिन डूब में बढ़िया रहता है ये। हाँ डूब में अच्छा लगता है, देखिए मेरा चेहरा। ये आईफोन है, मेरा वाला आईफोन है, और इसमें देखिए ये थोड़ा गोरे में है और ये पूरा काले में है, कलवा म्यूजिक वहाँ कलवा है, और इतना थोड़ा गोरा। हाँ इसमें गोरा है, और इसमें ना मैं जितने भी लिपस्टिक लगाऊंगा ना पूरा काला दिखता है, इसलिए मुझे लोग कमेंट करके बोलता है तुम ना वो तुम्हारा होत क्यों काला है, ऐसे सब बोलते रहता है। कुछ लोग बोलता है बीड़ी पीती है। हाँ बीड़ी पीती है, लेकिन मैं वो सब राम राम करे, मैं वो सब नहीं पीती हूँ। और गैस आज का ब्लॉग कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, आई होप आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। और तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ, तो बाय बाय सभी को गाइस।